धनबाद लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। धनबाद में मतदान करने को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। कला भवन 150 नंबर बूथ में 80 वर्षीय बुजुर्ग महिलाएं युवा वोट कर रहे हैं। 80 वर्षीय बुजुर्ग ठीक से चलने में असमर्थ होने पर रिक्शा से अकेले बूथ पहुंचे, अपने मत का अधिकार का उपयोग किया, लोगों से वोट करने का अपील किया। वहीं बूथ के बाहर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता वोटर बूथ पर्ची लेकर बैठने वाले स्थान पर पार्टी झंडा लगाकर रखा गया था। चुनाव स्पेशल पुलिस पेट्रोलिंग बूथ पहुंचे, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के बाद पेड़ दीवार पर लगे दोनों पार्टी के झंडों को हटा दिया। वहीं किसी भी तरह का झंडा बैनर नहीं लगाने का निर्देश भी दिया। सभी शांतिपूर्ण माहौल में मतदान करने का निर्देश दिया। वोट देने आया है, यही हमारा ठीक है। क्या सोच के वोट दिया? वोट दिया, सरकार बने अच्छा से चले, यही हमारा है। खुश है, खुश आई बोल की तो वोट देने आया। क्या लग रहा धनबाद में क्या चीज का कमी है? 80 साल उम्र हो गया, बहुत लंबा समय है। 80 साल तो बहुत उम्र है। देखिए सरकार तो एक ही साल में सब पूरा करने नहीं चाहिए, आस्ते आस्ते पूरा होगा। पहले जैसा रास्ता घाट नहीं था, अभी बहुत रास्ता घाट होगा। रेशन पानी दे रहा है, बीपीएल कार्ड दे रहा है। आप चलने में थोड़ा सा असमर्थ है, उसके बावजूद भी वोट देने आ रहे हैं, तो युवाओं को क्या मैसेज देंगे? वोट देने से एक तो वोट कीमती है, वो देने का जरूरत है, इसको चल जाए। अभी चलने फिर जाता है, बस ये रिक्शा सहारा लेके चला आया,